जब हम ये कोकोनट का जो प्लांट है इसको रिपोर्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि उसके रूट्स जो हैं वो उसके सेल से बाहर आ जाना चाहिए। अभी आप देखिए और भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ रूट्स आ गए हैं, इसीलिए मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। जब तक इसके रूट्स जो हैं वो बाहर ना आए तब तक आप इसको रिपोर्ट मत करिए, और ये ज़रूरी है। तो अब ये रूट क्योंकि मिट्टी पकड़ लेगा, मिट्टी को अच्छे से अपने रूट्स को जमा लेगा मिट्टी में, और इसकी ग्रोथ और भी जल्दी जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक इसका जो फूल है ना अंदर जो बनता है पानी का वो वैसे ही होगा, अभी ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे लिए ज़रूरी है रिपोर्ट करना, क्योंकि मैं इसको फिर से एक बार शिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ से अपने गांव की तरफ इसको लेके जा रही हूँ मैं, इसीलिए मेरे लिए रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे एक कोकोनट के प्लांट को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। और मैंने बड़ा गमला जो मेरा सुपारी का था बड़ा गमला वही लिया है मैंने, ये 14 इंच का गमला है, तो इसी पॉट में ही मैं उसको रिपोर्ट करूँगी, और ताकि उसको जल्दी से रिपोर्ट करना ना पड़े और इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। यहाँ फ्रेंड्स इसको बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है अहमदाबाद की गर्मी, और मेरे प्लांट बहुत ही जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे और नुकसान हो जाए और प्लांट की खराबी हो जाए, इसीलिए मैं मेरे प्लांट को अभी गांव में शिफ्ट करने जा रही हूँ फिर से एक बार। तो अब मेरे प्लांट आपको सभी गांव में ही दिखेगा, और लगाऊंगी नहीं फ्रेंड्स, खेत में नहीं लगाना है क्योंकि अभी समय नहीं है, जब बारिश स्टार्ट होगी उसी समय में इसको मिट्टी में लगाऊंगी। फिलहाल सारे प्लांट मेरे घर में ऐसे ही सेट रहेंगे पॉट के साथ ही, और अभी समय नहीं है क्योंकि ज़मीन में लगाने से ख़राब हो सकते हैं प्लांट, और क्योंकि ठंडी इतनी भी नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ मैं, कि पहले मैंने जो मेरा कोकोनट का जो प्लांट है वो मैंने घर में बनाया है, और एक बनाया है इसका वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स वो जो मेरा प्लांट है वो 3 महीने के बाद आप देखें, इसको 3 महीना हो चुका है, और 3 मंथ के बाद आप देखें कि इसका जो रूट्स हैं वो नारियल के बाहर आ गए हैं। अभी इसके रूट बाकी नहीं आए हैं, एक ही आ गया है। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अब मैं जो मेरे सारे प्लांट हैं उसको फिर से एक बार शिफ्ट करने जा रही हूँ, जो कि अब मैं सीधा अपने गांव लेके जा रही हूँ सारे प्लांट को। तो मैंने क्या करना है कि ये प्लांट जो है अब मैं इसको गमले में ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि रूट्स इसका बाहर आ गया है, तो अब इसको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अब ये मिट्टी में अच्छे से जम जाएगा। तो इस प्लांट को मैं अब पानी में रखी थी, और अब क्योंकि रूट्स आ चुका है तो अब मैं आसानी से इसको मिट्टी में या गमले में मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ कुछ इसी तरह। और मेरे पास जो गमले की मिट्टी है वो मैंने गार्डन का ही यूज़ किया है, इसमें मेरी सुपारी जो थी वो जो ख़राब हो गई थी वो ऑलरेडी पूरा ख़राब हो चुका है, पूरा ख़त्म हो गया, तो मैंने इसी मिट्टी को मैंने रीयूज़ किया है, और मैं अपने नारियल के प्लांट को मैं इसी में ही लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा जो प्लांट है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी तरह से देखिए हो रहा है। तो अब मैं उसको रिपोर्ट करूँगी, और मिट्टी तैयार है, मैंने पहले से इसमें से खाली करके फिर भर के रखा था, तो मैं इसी में ही इसको दुबा। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि 3 महीने का मेरा जो प्लांट और इसको मैंने रिपोर्ट इसी में करूँगी, और ऐसे ऐसे करके मैंने जितने भी मेरे प्लांट हैं जो छोटे छोटे पॉट में था उसको भी मैंने रिपोर्ट कर लिया है, लगभग सारी तैयारी कर लिए हैं। कुछ मेरी जो वाइन है वो वाइन बहुत बड़ी हो गई है, तो वाइन को एक दूसरे को ऐसे ही लग गई है,
तो उसको मैंने अलग करके फिर से मुझे रेडी करना है ले जाने के लिए, शिफ्टिंग के लिए। तो बार बार प्लांट को शिफ्ट करना थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल यहाँ तो घर के बहुत ही पास है तो मेरे लिए इतना हार्ड नहीं है, आसान ही रहेगा। और मैं एक ही बार में अपने प्लांट को अब यहाँ से हटा दूंगी तो मेरे प्लांट जो हैं ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी, और गांव में फुल पानी मिलेगा, फुल इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ से यहाँ जो क्लाइमेट है वो मेरे प्लांट के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है, ख़राब हो रहे प्लांट मेरे, मर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि और मेरा प्लांट ख़राब हो जाए, इसलिए फ्रेंड मैं दोबारा रिपोर्ट यहाँ से करके सारे प्लांट को और शिफ्टिंग करने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा ही प्लांट में रखूँगी फ्रेंड्स, ज़रूरत के हिसाब से, ज़्यादा नहीं रखूँगी। और मेरा वीडियो मैं गांव जाके मेरे सारे जो जितने प्लांट हैं सभी के मैं वहीं से ही बना के लाऊँगी और फिर मैं डालूँगी, क्योंकि मेरे लिए यहाँ रखना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसी तरह आप कोकोनट प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं उसके रूट्स बाहर आने के बाद। तो बस यही वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो कर ही सकते हैं फ्रेंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।